आज मैं आपको आपकी आवाज के जरिए जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर में जो 12 आवास का बंधकॉल दिया गया है इस वक्त में मौजूद हूँ ऑल ज़ीरो पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल ज़ीरो पे यहाँ पे पूरा दुकानें पूरा बंद है। और यहाँ पे जो रास्ते पे जो बच्चे लोग हैं उन लोग क्रिकेट यहाँ पे जो खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल जो आना जाना पूरा बंद है। और जहाँ जहाँ पे जो ज़ीरो का अंदर में जो एजुकेशन कर रहा है, आपको मैं आपकी आवाज़ के जरिए बताते आप देखते रहिए। ऑडियो को तो कट करेगा ना। तो हमने ऑल ज़ीरो आके आपकी आवाज़ की जरिए यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर में जो एजुकेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो लॉर्ड्स वंशी स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन और ये अपसू के भी लोग हैं यहाँ पे जो एजुकेशन कर रहे हैं। आइए उससे हम जान कर लेते हैं। तो आप बताइए कि सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम बघेला जी है और मैं अलसू और लॉर्ड्स वंशी स्टूडेंट यूनियन का आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी हूँ। और मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल दिया गया है ऑल ज़ीरो पे चेयरमैन के थ्रू से। आज पर हम लोग का बंधकॉल चेयरमैन, उसके थ्रू से हमको ऑल ज़ीरो पे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है और हम यहाँ पे अपना काम को निभा रहे हैं। तो आपका जो आज का एजुकेशन जो सुबह सुबह 5 बजे से लेकर शाम का 5 बजे तक है, 12 आवर्स का जो बंधकॉल है, तो किस तरह का आप लोग यहाँ पे जो एजुकेशन कर रहे हैं? एजुकेशन किस तरह का आप लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं? हम लोग अभी वही अभी केप का अगेंस्ट में अभी हम लोग एकदम मतलब नॉन वायलेंस ले हम लोग वो कर रहे हैं ताकि इसको पीसफुली जाने के लिए। हम लोग भी नहीं चाहता कि मतलब अपने जगह पे मतलब किसी और को हम लोग एक सिटीजनशिप का राइट दे के हम लोग यहाँ पे किसी बाहर वाला को हम लोग यहाँ पे बीतने दें और यहाँ पे अपना मतलब राइट्स को यहाँ पे उनको शेयर करें। तो इसीलिए हम लोग सेम आज से नेसो को साथ देते हुए आप सबको साथ देते हुए हम लोग भी कैब के अगेंस्ट में हम लोग जा रहे हैं और हम लोग यहाँ में वो सक्सेसफुली अभी तक चल रहा है। तो सो भी अभी नेसो एंड आप सब अगेंस्ट कैब। तो कल जो असेंबली पे जो राज्यसभा जो लोकसभा असेंबली पे जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर जो ऑलरेडी जो अमेंडमेंट बिल के ऊपर में जो कहा गया है कि जो जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो खास तौर से अरुणाचल और नागालैंड और मणिपुर पे कुछ अटैक नहीं होगा, तो उसके ऊपर आप एक्चुअली वो इफेक्ट होगा नहीं होगा बोलने के बाद भी उन लोग का कोई उसमें कोई प्रॉपर उन लोग का जो जस्टिफाइड नहीं किया कि मतलब यहाँ में हम लोग को कुछ नहीं होगा। वो एवं बिल के हिसाब से उसमें कोई भी कुछ प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया कि हम लोग को कोई यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा ये बिल के थ्रू से। तो यहाँ में और ये बात भी नहीं है कि आस पास फिर हम लोग का ILP तो हम लोग थ्रू से है, फिर भी यहाँ में एक रिसेडेड एक बहुत ज़्यादा हम लोग का बाहर का है जो है जैसे कि बांग्लादेशी चकमा हाजोंग लोग है तो ये वगैरह बहुत सारा यहाँ में हम लोग का है। तो उन लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे उन लोग को राइट्स मिल जाएगा अगर उन लोग ये थ्रू से। तो उन लोग तो यहाँ पे सेटलमेंट बिता हुआ है विदाउट ILP उन लोग भी एक उन लोग यहाँ में ऑलरेडी सेटल है। तो उन लोग का क्या किया जाए वही हम लोग से मतलब इसका हम मतलब अमित शाह जी को कहना है कि मतलब इसका क्या करना है। तो उन लोग को ऑटोमेटिक तो ये बिल का थ्रू से उन लोग को तो इंडक्ट हो ही जाता है, इंडक्ट हो ही जाता है। तो यही हम लोग प्रॉब्लम है। तो हम लोग और नहीं चाहते अलग इंट्रोड्यूस हम लोग नहीं चाहते। तो हम लोग टोटली अपोज्ड है इसके अगेंस्ट में। तो अभी आखिरी में आपको ये जानना चाहते हैं कि जो आप पब्लिक जो जीरो का जो पब्लिक है आम आदमी, तो उसको आपका तरफ से क्या मैसेज देते हैं? आम आदमी को यही मैसेज देता हूँ यहाँ का जीरो वासियों को कि इसको भरपूर साथ देना है और हमेशा अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तो आपको कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये हम लोग के लिए सिर्फ मेरे हम लोग का स्टूडेंट्स यूनियन के लिए नहीं है, ये हम लोग का वर्ल्ड कम्युनिटी है। वर्ल्ड यहाँ का जितना भी हम लोग का यहाँ पे एक ट्राइब्स है, जितना भी अरुणाचल का लोग है, हम लोग का एकदम ट्राइब्स पीपल का हम अरुणाचल सिटीजन्स लोग हैं, उन लोग के लिए हम लोग का ये जो फाइट है। तो इसको हम लोग हमेशा साथ देना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। और हम लोग के यहाँ में जो हम लोग का बंधकॉल के थ्रू से हम लोग के इश्यू किया जाता है मतलब ये व्हीकल मूवमेंट नहीं करके कोऑपरेट कर, आप लोग भी यहाँ में रास्ता में कोऑपरेट करके एक रैली हो सकने से बहुत एकदम लार्ज स्केल में आप लोग सपोर्ट करना चाहिए। तो यही हम लोग का मतलब ये सिटीजन्स को हम लोग का जीरो वासी को अपील करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। हाँ, आई श्री मिस्टर कोजगंबो।
हम आप सबका पैनल सेक्रेटरी हैं और हम लोहा सुबनसिरी जिलों से बिलोंगिंग करता है. आज जितना भी यहाँ में मेरा लॉग लुक है बहुत अच्छा से एकदम पीसफुली हो रहा है और हमेशा यही चाहता है कि पीसफुली हो. और अभी भी एक गाड़ी आ रहा है, इसको भी हम लोग रुकाने जा रहा है और जाने नहीं देगा. तो जिस तरह जो आपसे प्रेसिडेंट ने जो बामा तरीके से जो बोला हुआ को जो एक्सेप्ट किया है कि जो कभी इफेक्ट नहीं हुआ, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये मेरा प्रेसिडेंट जो उसको एक्सेप्ट है, ये बामन फिलिक्स जी होम मिनिस्टर और ये पेमा खांडू जी सीएम, उस दिन गया 5 या 6 को उन लोग दिल्ली गया है. तो दिल्ली जाकर अमित शाह जी को उन लोग मिला है और कुछ मेमोरेंडम भी सबमिट किया है. और आफ्टर ऑल देखो अरुणाचल तो ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट से हम लोग अभी तक प्रोटेक्शन है. तो अमित शाह जी भी कहा है कि अरुणाचल में कोई ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और स्पेशली नोटिस एक्सेप्ट असम को लेकर ये सब तो हम लोग का प्रोटेक्शन है अभी तक फिलहाल. लेकिन हम लोग आज देखो एक्सेप्ट तो है, तब भी हम लोग नोटिस रीजन में पूरा बंधकॉल है आज बंद है, क्योंकि सबसे पहले असम जो हम लोग का बड़ा भैया लगता है उन लोग से हम लोग बहुत कुछ सीखा है. कल को असम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट जो पास होता है बोलने से डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम लोग को इफेक्ट पड़ेगा. तो स्पेशली कमोडिटीज इकोनॉमिकली उन लोग से बहुत हम लोग जुड़ा हुआ है. तो हम लोग तो ये चाहता है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को भी ये रिक्वेस्ट है, ये अपील करता है, ये अमेंडमेंट बिल को जो कल पास किया है लोकसभा में उसको भी हो सके तो वापस लेकर इसको इम्प्लीमेंट ना कीजिए. तो अगर आने वाले दिनों में अगर सपोज ये वापस अगर बिल को वापस नहीं लेते हैं तो आप लोग अफसोस की तरफ से और क्या आगे में उसका जो ये आप लोग का स्टेप होगा? ये हम लोग तो देखो ये होगा कि आने वाला चीज को जो उन लोग जो हम लोग का मांग है जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं करते है तो ये अफसू हम लोग एक कोऑर्डिनेट मीटिंग करेगा. तो जो नेसो उन लोग डायरेक्शन करेगा उसी तरह उसी प्रकार हम लोग आज जो कर रहे हैं वही करेगा. तो हार तो कभी नहीं मानेगा. तो आप लोग का जो टीम जो स्टेशन का टीम और कहां कहां पर आप लोग डिप्लॉय किया हुआ है अभी तक? फिलहाल ये हम तो ऑब्जर्वर है आज का, तो मैंने सुबह से घूम रहा है. तो अभी ये ओल्ड जीरो में है अभी फिलहाल. तो हापुली में भी गया, बहुत पीसफुली हो रहा था. तो चेयरमैन को भी मैंने बहुत कॉल किया तो रिस्पॉन्स ठीक था. और जीरो में ये तगीलाजी बाईलाजी जो ये अलसदसू का आसियान कल्चर सेक्रेटरी है और एकदम अच्छा से यहाँ में एकदम पीसफुली हो करा रहा है, हमको तो बहुत सेटिस्फाई है. तो ऐसे ही जीरो का वासियों हम लोग को अपील करते आप सबको अपील करते हैं कि ऐसे हम लोग को कोऑर्डिनेशन दो और कोऑपरेशन दो. तो ये सब सच कहा ये बाईलाजी भी, ये सिर्फ हमारा ईस्टर्न कम्युनिटीज के लिए नहीं है, ऐसे ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश है. कल को देखो हम लोग का जो यंगर जनरेशन है उन सब के लिए ही है, तो भाई बहन के लिए है, सब मिलजुल कर रहना है और सब हमेशा ऐसे कोऑपरेशन दो, हम ये अपील करते हैं. अब हम ओल्ड जीरो से लेकर जो हापोली टाउन पे आ चुके हैं, जो जीरो के हापोली टाउन जो मेन टाउन जो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी पूरा दुकानें बंद है, पूरा पीसफुली आज का जो एजिटेशन जो बंद कॉल है अभी तक पीसफुली है. और आने वाला समय में इसका और क्या होगा वो बताएंगे आपको. आप हमेशा इसी तरह आपकी आवाज़ में बनी रही है. देखिए यहाँ पे जो पूरा दुकानें सब बंद पड़ा हुआ है और यहाँ एक भी जो व्हीकल यहाँ पे जो मूवमेंट दिखाने जा रहा है, सिर्फ जो साइकिल लेके जो यहाँ के जो निवासी लोग यहाँ के जो लोकल लोग घूम रहे हैं, यहाँ मजे लुत्फ रहे हैं आज का बंद कॉल को लेकर. और इसी तरह हम आगे भी आपको आपकी आवाज़ के जरिए
जो इस बनकोल का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का बनकोल का जो इफेक्ट और कहां कहां पे हुआ है हम आपको दिखाते रहेंगे बताते रहेंगे इसी तरह आप आपकी आवाज में बनी रहेंगे Executive member and you are also. Ziro, I am going to tell you. तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो अपातन स्टूडेंट यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी नादापुर जी उससे आए जानते हैं आज का जो एजुकेशन का बारे में सबसे पहले बताइए कि आप लोग का जो आज का एजुकेशन ये कितना बजे से शुरू होता है कितना बजे में बना आज का एजुकेशन जो सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है 11 आवर्स का बनकोल है तो ये जो आप लोग एजुकेशन कर रहे हैं जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का ऊपर में तो इसके ऊपर में आप क्या करेंगे एक्चुअली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारा नोटिस के लिए बहुत ही बोझिलेस है बोलने से क्योंकि बोले तो हमारा अरुणाचल इटसेल्फ में हमारा रिफ्यूजी का प्रॉब्लम है हमारा चकमा आजम का प्रॉब्लम है अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर लागू हो जाता है उन्हें सबसे पहले हमारा रिफ्यूजी को सिटीजनशिप मिल जाएगा और वो लोग परमानेंटली यहाँ सेटल हो जाएगा वो सबसे पहले हम लोग का अरुणाचल के लिए स्पेशली अरुणाचल के लिए है और उसके बाद वो गवर्नमेंट बोल रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड ये बांग्लादेश से वो जो इफेक्टेड आदमी लोग को जो मुस्लिम को छोड़ के बाकी रिलीजन के आदमी को मैंने वो लोग सिटीजनशिप देंगे बोल रहे हैं वो अगर देगा तो सबसे पहले आसाम में इफेक्ट होगा आसाम में इफेक्ट होगा क्योंकि आसाम में ऑलरेडी इमिग्रेंट्स का मतलब बहुत साल से प्रॉब्लम चल रहा है अभी और वो लोग बाहर कंट्री का आदमी को अगर सिटीजनशिप देगा तो और बढ़ते जाएगा और आसाम में आदमी बढ़ेगा तो श्योर है फ्लो कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का जितना स्टेट है अरुणाचल मिजोरम हो जो नागालैंड जाओ वहाँ तो सब श्योर ऑटोमेटिकली फैलेगा ही फैलेगा तो इसलिए आज का जो बनकोल है हम लोग नेसो जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करते हुए हम लोग का आपसू स्टेट में वो कर रहा है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में जो कर रहे हैं वो जो अभी हम तो अपना तो नहीं स्टूडेंट यूनियन का तरफ से कर रहे हैं अपना इंडिजिनियस ट्राइब का थ्रू से कर रहे हैं इसलिए आज मैंने हम लोग जितना हो सके ये बनकोल को पीसफुली 4 बजे तक खत्म करने का बात किया है तो ऐसा कहा गया है कि जो अमित जो सीएम जो सिटीजन बिल इसको अरुणाचल में कभी अटैक होने नहीं देगा उन लोगों का जो एक्सपीरियंस जो दिया गया इसको क्या एक्चुअली हम इसको नहीं मानते सीएम के स्टेटमेंट को हम गलत मानते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का यहाँ आईएलपी ऑलरेडी लागू है आईएलपी लागू होते हुए भी यहाँ में इतना इमिग्रेंट इन्फ्लक्स होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता अभी ऊपर से सीएबी लागू कर देगा तो और इन्फ्लक्स ज्यादा होगा और आईएलपी को मैनेज नहीं कर पाते तो सीएबी लागू करके कहाँ से मैनेज करेगा वो तो इसको तो हम नहीं मानते तो अगर ये कल रात जो लोकसभा में राज्यसभा में लोकसभा में जो पास हो सकता है ये बिल जो अभी राज्यसभा में पास होगा तो उसके ऊपर आप लोग क्या क्या उसमें आप लोग ये आगे आने वाला दिन में जो एजुकेशन करेंगे मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा नेशनल नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ये इनिशिएट कर रही है इसको लीड कर रहा है मैं वो सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अभी लोकसभा में बिल पास होने से भी राज्यसभा में अपोज करने के लिए राज्यसभा का एमपी को अप्रोच करने के लिए मैं चाहता हूँ अगर मैं भी अगर हमको भी शायद चलो बोले हम भी चल देगा
वही नेसो अगर इसको वो लोग टैकल कर सकते हैं उनसे बहुत अच्छा बात। तो आप एक अपातन स्टूडेंट के जो जनरल सेक्रेटरी होने के नाते तो आप जितना भी जो यहाँ के जो जीरो के जो निवासी है और खासतौर से जो स्टूडेंट है तो आप आज का आज आप से क्या मैसेज देंगे? मैं अपातन ही बोल लेता हूँ यहाँ का पब्लिक के समझने के लिए थोड़ा सा सुलो का बनकोल मने से सीगुनु सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला बुयो इंडियन पार्लियामेंट तो सी पास मत होला से का बिल सी कैसे तचने रोंग पता चिन्ने मा सीगुन के पोंग यांग उन्हों आगो कंट्रियों के का हिंदू से का क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन आता दान आता मेमुनु का बांग्लादेश पाकिस्तान का अफगानिस्तान का मोलो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन मोलो माम का मई मरे ला का मोल का रिलीजन apa sok apa sila ka dalala ka mumpan ni mengun so India ag telu de India ag tu korang mumpan especially mun notice pay problem aki mesti Bangladesh mun notice aru ondo Bangladesh sok ka hag ni asa mosyur hara kelo wa asa mok hara ni mun arna celo akama ado si si mun je baje melaja cingi me ILP ni problem tu melaja apa cima ILP dos do hoja lupa enggane bina ILP pasong enggane ayah ado o si si ILP dos dos ke uporo si ke bera la kado kora ada haya si si dos ta ado kora pujo da hajar aega jare pa yakin no si mi ice kunu kunu si si knowledge gin bo getola si si kunu si eges mula do gimana udio si niu la cima padu si mi ice kunu kunu soka norti soka local mi u kunu indigenous mi u isa bo kunu si mi eges makindo lang ngapa endo cho to or hamare sath yahan pe maujud hai jo जो लॉर्ड्स मिनिस्ट्री स्टूडेंट यूनियन के जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपको जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और हम कोस्टा चंग हम एडवाइजर लॉर्ड्स मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। तो आप बताइए कि जो जिस तरह जो जो नेसो और जो अफसू जो बनकोल दिया है तो आप लोग किस तरह इसको कोऑर्डिनेट करते हैं? देखिए यहाँ ये मैंने ये आपका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉर्थ ईस्ट में जब नेसो बनकोल नेसो का कोई भी इशू हो and it is APSU's issue. When APSU का कोई भी issue हो, it's the district students union का issue है. तो जहाँ तक ये issue का citizenship amendment bill का बात है, since from the day one, notice student organization, the notice students union, unconditionally, नहीं, no cap at all. हमारा नोटिस को केप नहीं चाहिए. क्यों बोलने से? क्योंकि हमारा यहाँ नोटिस इतना सारा स्टेट्स है जहाँ में इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो है आपका कम माने माइनॉरिटी में आते जा रहा है. जस्ट आप त्रिपुरा देख लीजिए, कम होते जा रहा है. एंड इवन असम में भी बहुत सारा है. एंड अरुणाचल अभी मैंने कुछ अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से कि अरुणाचल में ये टेक नहीं है, ये है वो है सुनने में तो आ रहा है, पर हमको तो लग रहा है ये एक तरह का वो है हमारे अरुणाचल वासियों को कहीं ना कहीं एक जगह से हमको फूल बना रहा है. जिसे आप एक बार सोच लीजिए, आपके चकमा इन अरुणाचल डियर hundreds, maybe thousands of Hajong Hindus, they are refugee. आज तक refugee है. Then after including Chakma and Tibetan refugees, ये लोग lakhs में हैं. कोई भी indigenous population, आपका ये जो Buddhist immigrants जो अभी refugee है, कोई भी indigenous population उसका जितना आधा भी नहीं है. तो जिस दिन के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जिस दिन लागू होगा उस दिन से दे विल बी नो मोर रिपुजी सिंस एवरीबॉडी इज नो इतना सिंस फ्रॉम द डिकेट्स आपका चकमा हाजोंग एंड तिब्बतन रिपुजीज जो डिकेट से लगाओ यहाँ बेटा सेटल है अरुणाचल में डिकेट से सेटल है. सेटल होने का बाद आज तक वो रिपुजी है. जिस दिन जो समय से आपका केप अभी का प्रोजेक्ट 2016 जो प्रपोज केप जो जिस दिन से इम्प्लीमेंट होगा दे विल बी ऑटोमेटिकली बिकम एन इंडियन सिटीजन. तो यहाँ में हमको तो अरुणाचल का प्रॉब्लम नहीं है बोल के तो दिखाई नहीं देता है. आई डोंट नो
तो ये लोगों को किस ढंग से अरुणाचल को इफेक्ट नहीं है, किस ढंग से बोल रहा है, हम जो लाइन से बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है दिस टेक्निकल प्रॉब्लम। तो उसी दौरान विद द लॉर्ड सबनसरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन एज पर द आपका नेसों का पीछे चलते हुए आपसों का साथ चलते हुए ये अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का इश्यू को लेके जितना तक नेसो लेके जाएगा वी आर गोइंग टू गो। कल एक ये न्यूज वायरल हुआ था कि जो अफसू का जो प्रेसिडेंट हवा बागान जी जो आपका अमित शाह का जो स्टेटमेंट और ये पेमा खानों का स्टेटमेंट को उसने एक्सेप्ट किया है तो उसके ऊपर आपका क्या विचार? देखिए अगर सही में अगर वो देखिए ये चीज को तो हम आप कह रहे हैं हम ऑटोमेटिकली नहीं देखा है तो अगर इफ ही एक्सेप्ट देन अफसू टू बंधकॉल ऑर्डिनेंस तो अफसू आप शायद कागज देखा होगा दे आर डिक्लेयरिंग द बंधकॉल बंधकॉल तो अफसू ने भी तो डिक्लेयर किया व्हेन इट इज एग्रीड सो इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो रिगार्डिंग ये इशू को लेकर नॉर विद द इशू आर स्प्रे हेडिंग नीदर अफसू न त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन ना नागा स्टूडेंट जो भी मैंने आपका नेशो का जो जितना भी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन है दे हैड अ मीटिंग एट द गुवाहाटी वन रिजोल्यूशन लिया है से नो टू के बट ये अब ये चीज को लेके हम अवेयर नहीं आप जो पूछ रहे हैं आई हैव नेवर सीन ऐसा होने से तो सीनरी अलग होना चाहिए आप सुन अपना माने फेडरल ऑर्गेनाइजेशन को इफ आप प्रेसिडेंट ऐसे तो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट टिप देना चाहिए था ऐसे होना है तो अभी आप सुन तो हम दी इशू जो है यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं एज पर द ऑर्डिनेंस गिवन बाय द आपसू एंड द नेशो तो हम यहाँ कर रहे हैं बंद करो बोलता फिर वो है ये चीज मैंने हम आपको जब तक वो चीज को हम दिखाई नहीं देगा आपको ऑटोमेटिकली ये चीज ये बारे में हम नहीं बात कर सकते। तो आगे वाला दिन में अगर सपोज आवर केप को उन लोग को वापस नहीं जाते हैं बिल को तो आप लोग का तरफ से आप क्या क्या आगे आने वाला दिन में जो है तो अगर केप नहीं ला के अगर जबरदस्ती करता है जबरदस्ती करके अगर आगे भी बढ़ता है आई वुड लाइक टू आवर लीडर्स द नेसो रिप्रेजेंटेटिव्स हाँ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा इंडियन से हमारा नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनियस पीपल का हमारा बात को हमारा दुख तकलीफ को अंडरमाइन करके अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को बहुत इंटरेस्ट है बोलने से तो चलो तो जितना बन पाएगा जो पाएगा एनी एंगल बाई हुक एंड कुक कोई भी एंगल है जितना भी दम है जो भी कर सकता है इसका अगेंस्ट में एनी एक्सटेंट लेवल आई डू एक्सपेक्ट आवर नेशनल लीडर एनी मैंने जो भी यहाँ में रास्ता जो भी दिखाई देगा कहीं भी बस हमको सिर्फ ये केव अगेंस्ट मैंने नहीं होना है केव जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू नहीं होना है। अगर जबरदस्ती करता बोलने से पहले हमारा यहाँ रिफ्यूजी इशू को तो रेक्टिफाई करो पहले यहाँ का जो जितना भी रिफ्यूजीज है नॉर्थ ईस्ट में जितना भी रिफ्यूजीज है सबको आप डिपोर्टेशन करो करने का बाद देन आप अभी हिंदूज इतना आप बांग्लादेश में हिंदूज है मान लो बांग्लादेश इज द नियरेस्ट कंट्रीज हिंदू है पाकिस्तान से तो से यहाँ हार्डली आएगा नहीं अफगानिस्तान से तो यहाँ आएगा नहीं मैं मेजोरिटी तो आप ये आपका बुद्धिस्ट एंड आपके हिंदू जो बांग्लादेश कितना नंबर आने वाला है कितना आदमी को वो करेगा तो ये सब चीज मैकेनिज्म मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट हमको हेड टू हेड एंड नेशो का साथ हेड टू हेड डिस्कस करने का बात करने से दैट इज डिफरेंसेस। तो ऐसे अभी का सिचुएशन देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिजिनियस पीपल ओरिजिनल इंडियन सिटीजन यहाँ रो के बेहतर है अभी अब दिल्ली बैठे मैंने पार्लियामेंट में बैठ के हमारा इंडिजिनियस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर हमारा इंटरेस्ट को इग्नोर करके दे आर मैंने गिविंग इम्फेसाइज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इलीगल माइग्रेंट एंड क्यों किसलिए आई डोंट नो। तो इसलिए हम भी ये हमारा नेशनल लीडर्स को भी अपील करना चाहता है कि अगर कल को जाके आज लोकसभा में पास हो के राज्यसभा में हो भी जाए प्रेसिडेंट कौंसिल देके अगर लागू भी हो अगर हम ये मैंने आप हमारा इंडिजिनियस पीपल के लिए आप ऑर्डिनेंस लॉ नहीं बनाते तो हम वही कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर रहकर मीनिंग क्या है मेरा वही गवर्नमेंट का अंदर रहकर मीनिंग क्या है जो गवर्नमेंट मेरे लिए नहीं। कल असेंबली में जो अमित शाह जो कहा था कि जो क्योंकि वो बताया है कि अरुणाचल नागालैंड और मणिपुर में ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा के तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं?
देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब तक जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, आज जो है दो यूनियन टेरिटरी में बढ़ गया, तो जब स्पेशल स्टेटस हुआ करता था जब तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वहां लागू नहीं होता था, वहां का एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसको भी आज मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, उसको अपना मैंने प्योरली इंडियन का अपना दो यूनियन टेरिटरी बना के अभी इंडियन वो है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंडिया को ये पलना जगह में लागू होगा ये पलना जगह में लागू नहीं होगा, मैंने ये चीज हम समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मैंने इंडिया जो चलता है द डेमोक्रेसी कंट्री जो इंडिया जो चलता है ये रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से चलता है, लॉ का हिसाब से चलता है, और लॉ ये आदमी को लागू होगा वो आदमी को लागू नहीं होगा यह थोड़ा बहुत खिली मिली है। अब बंगाल इस रेगुलेशन फ्रॉम अब चीन हिल एक्ट, ये तो अब बंगाल हिल 1873 से है, 1873 से है, इफेक्ट नहीं होगा बोल के आज तो चकमा आजोंग जो भी रिपोजिशन हमारा तो लाइक में है ना, तब भी तो इफेक्ट नहीं था, अभी ऐसे है, तो इसलिए हम आगे एक लाइन बोला था इसको तो हम लॉलीपॉप जैसे लगता है, आप इसको चबाते रहो टाइम पास करते रहो एंड ये आपका कुछ नोटिस देखो, नोटिस तो प्योरली एक मैंने यहाँ में नोटिस में मोर देन मैंने हंड्रेड मैंने डिफरेंट इथनिक ट्राइब्स है एंड खास करके अरुणाचल, हमारे अरुणाचल में तो आपका से मान लो 26 अराउंड 128 ट्राइब्स, दे हैव गॉट डिफरेंट कल्चर डिफरेंट कस्टम्स डिफरेंट अपना डायलैक्ट्स अपना इंडिविजुअल लैंग्वेजेस है अपना इंडिविजुअल डायलैक्ट्स है इतना सारा मैंने हमारा यहाँ में भी है। तो यहाँ का मैंने ये जो अब जब व्हेन यू आर गिविंग एन आईएलपी नोटिस ए प्योरली एक इंडिजिनियस का वो है, तो आईएलपी आप लागू करना है तो सब में करो, क्यों कुछ जगह को लागू करके कुछ जगह को लागू नहीं करके, ये पॉलिसी तो हमको लग रहा है दिस इज नथिंग टू दिस यूनिटी द इंडिजिनियस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आज हम बोलेगा मैंने केव हमारा अरुणाचल में तो इतने के ही नहीं असम को मरने दो, ये तो होगा ही नहीं, कल को जाके कोई भी हमारा स्टेट अफेयर्स अगर इंटरनेशनल अफेयर्स अगर कहीं में चाइना बॉर्डर तो हमारा यह है तो कुछ अप एंड डाउन होगा, असम वाला बोलेगा अरुणाचल का प्रॉब्लम है मेरा नहीं है, देन इंडिया कहाँ पर बचेगा भाई, अपना अपना वो है। तो असम में मैंने नॉन इंडिजिनियस ट्राइब सेटल बोला असम को हमको गिन के दिखाओ, अब क्यों कुछ जगह को वो कर रहे हैं। तो आखिर में आप एक डिस्ट्रिक्ट का जो कुछ एग्जीक्यूटिव होने के नाते पूरा जो लॉस में डिस्ट्रिक्ट का जो ये पब्लिक है तो आपका तरफ से उसको क्या मैसेज आएगा? मेरा तरफ से तो ये पब्लिक को तो आज मैंने आज सो फर वी हैव गॉट टू थ्री आवर्स टू गो, दो तीन घंटा का बचा है आज सुबह से लेकर आज जिस ढंग से कोऑपरेशन हमें मैंने हमारा के इशू को लेकर हमारा नेशो को दिया गया है, अगर आज सेकेंड फेज या थर्ड फेज अगर ये बंदकॉल इशू वगैरह होता है आप हमेशा इस ढंग से दीजिए, इस ढंग से आप कोऑपरेट कीजिए, ये ना आपके लिए ना हमारे लिए है, दिस इज द पीपल ऑफ मैंने इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंटर नॉर्थ ईस्ट सबके लिए है, मैंने ये सबके लिए है, आप ये हमेशा जब भी ये बंदकॉल करेगा ये खास करके ये केव इशू के लिए आप हमेशा पीपल ऑफ लोअर सुबनसिरी को मैंने हमेशा कोऑपरेशन आज जिस ढंग से कोऑपरेट किया पीसफुली बंदकॉल हम सेंट्रल में हम ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है केव को बिल्कुल नहीं चाहिए, पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट केव को बिल्कुल नहीं चाहिए, आज का जो आपका पब्लिक कोऑपरेशन को देख के तो हमको तो लग रहा है होल द पब्लिक जितना भी मैंने ये खास करके लोअर सुबनसिरी में एज एन डी एशू एडवाइजर आई हैव मैंने मैं इंटर लोअर सुबनसिरी जुरिस्डिक्शन में मैंने एक्टिविस्ट रिपोर्ट करके है तो सबसे खबर लेके आ रहा है सब लोअर सुबनसिरी तो सब मैंने पीसफुली तंदा से सब बंद है, तो बंद है मैंने पब्लिक कहीं ना कहीं दे आर कन्विंसिंग मैंने कन्विंसिंग दैट उस पब्लिक को के भी नहीं चाहिए, आई डोंट नो गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट है। अब देखिए अगर केब सही में केब अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट इपे के नहीं होता तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आदमी है दे हैव टू कम, अरे क्यों किस लिए धेरे तो वेरियस इतना सारा एनजीओ से इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव टू कम फॉरवर्ड, अब क्यों कर रहे हैं जब हम केब हमको इशू नहीं कर रहे इफेक्ट नहीं हो रहा है अब क्यों निकल रहा है दे हैव टू कम एंड टॉक,
कहीं ना कहीं दिस के लॉन्ग रन में एंड डायरेक्ट इफेक्ट जो आप गतिविधि ये जो पहले हम जो बोला है प्योर रिफ्यूजीज एंड द लॉन्ग रन में तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट. अब देखिए आप चकमा ये अब कोई इंडियन स्टेट में दे आर प्योरली ट्राइबल तो जाके तो अभी चकमा जिस दिन से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लॉ हुआ तो चकमा प्रति तो चकमा आजोंग दोस्त तिबेटन दे विल बी नो मोर रिफ्यूजी दे विल ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन. अभी तिबेटन रिफ्यूजी का तो आई स्टेटस मैंने हम इतना डिटेली नहीं बोल पाएगा लेकिन अब चकमा तो डेफिनेटली दे आर ट्रैवल ट्रैवल एंड व्हेन अब अरुणाचल में 50 ईयर्स से जब सेटल है तो 50 साल से या 57 साल से यहाँ सेटल है तो दे विल बिकम ऑटोमेटिकली सिटीजन एंड दे विल बिकम ऑटोमेटिकली एटीएस्ट. यही का तो है यही तो रह रहे तो जब तक इसको हम क्लियर नहीं करेगा जब तक ये कैप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगा बोलते ही रहेगा जब तक नहीं सो हम ये कैप को नहीं मानेगा बोलते रहेगा पीपल ऑफ लोअर्स दूसरे को हम यही रिक्वेस्ट करता है कि आप हमेशा आज जिस ढंग से हमारा बंधकॉल को सक्सेसफुल होने के लिए आप जिस ढंग से कोऑपरेशन है वो कोऑपरेशन आप हमेशा दीजिए खास करके ये इशू को जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा एक मैकेनिज्म नहीं निकलेगा कि इंटर नॉर्थ ईस्ट को ये जो कैप टोटली एपिक नहीं होने का जब तक एक मैकेनिज्म नहीं देता है तब तक आप ये कीजिए मैंने तब तक लोअर समुसरी मैंने सिटीजन्स को लोअर समुसरी पीपल ऑफ लोअर समुसरी को तब तक आप मैंने हमारा नेशो का जो मैंने ये केव का रिगार्डिंग में जब भी इशू होगा इशू इतना इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब भी करेगा आप साथ दीजिए आज जैसे दिया ऐसे आप देते रहिए. थैंक यू.